एशिया कप 2023 इस टूर्नामेंट को लेकर बीते कुछ महीनों से बवाल मचा हुआ है। कारण आप सबको पता ही है, पाकिस्तान के पास साल 2023 के होस्टिंग राइट्स है, लेकिन एसीसी के प्रेसिडेंट और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया था। इन बीती बातों के बाद अब इस टूर्नामेंट पर नया बवाल छिड़ा है। 5 जनवरी को जय शाह ने एक ट्वीट के जरिए एशिया कप का स्केड्यूल जारी किया, जिस पर पीसीबी चीफ नजम सेठी भड़क गए। गुस्साए सेठी ने जय शाह के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, शुक्रिया जय शाह, एसीसी का साल 2023-24 का स्ट्रक्चर और कैलेंडर, खासतौर से एशिया कप 2023 जिसको होस्ट पाकिस्तान है, उससे संबंधित चीजें एक तरफा तरीके से पेश करने के लिए जब आप ये सब कर ही रहे हैं, तो आप हमारे पीएसएल 2023 का स्ट्रक्चर और कैलेंडर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। नजम सेठी ने इस ट्वीट के बाद हमारे सहयोगी स्पोर्ट्स तक के मैनेजिंग एडिटर विक्रांत गुप्ता से भी बात की। नजम सेठी ने कहा, मैं बिल्कुल नाराज रही हूँ, मुझे ये बात मजेदार लगी, मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत क्या थी, आप हमें एक टेलीफोन कर लेते, बात कर लेते, अकेले ये सारी चीजें कर लेना अच्छी बात नहीं होती, और मेरी जानकारी के मुताबिक किसी को बताया भी नहीं, खुद ही सब कुछ कर लिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब मैं अगली दफा प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं भी इसी रास्ते पर चलूं, खुद ही घर में बैठकर अनाउंस करता जाऊं कि सारी काउंसिल क्या चाहती है? अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके साथ पीसीबी चीफ ने इस मसले से जुड़ी कोई जानकारी ना होने का भी दावा किया। उन्होंने कहा, नहीं, मेरी जानकारी के मुताबिक हमें तो पता ही नहीं है, ये अचानक से हुआ। इससे पहले भी जय शाह ने एक बयान दिया था जिसके ऊपर मेरे से पहले रहे चीफ रमीज राजा ने एतराज किया था। वो नाराज भी हो गए, वो ये कहने लगे कि उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। तो देखिए, बात ऐसी है कि एक तरफा आप चाहते हैं पाकिस्तान आकर वर्ल्ड कप इंडिया में खेले, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में जाकर एशिया कप नहीं खेलना। कल जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो क्या वो भी नहीं खेलेंगे? तो ना ये बात उसूल की है और ना ही क्रिकेट की। इन सबके बीच उन्होंने एशिया कप को होस्ट करने पर भी बात की। उन्होंने कहा, ये फैसला सरकार लेगी, सरकार अगर कहेगी जाओ तो हम चले जाएंगे, अगर कहेगी मत जाओ तो हम नहीं जाएंगे। बताते चले, स्केड्यूल के अनुसार 50 ओवर फॉर्मेट वाला मेंस एशिया कप सितंबर में होगा और T20 फॉर्मेट वाला विमेंस एशिया कप का आयोजन सितंबर 2024 में होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं गरिमा, स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।